सारे दर्शकों ने प्रियंका कुहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं हिसार के सिसाई गांव में। और सिसाई गांव आपने पता है जाना माना गांव है, कितना बड़ा गांव है। और यहां पर एक छोटा सा साधु है, ये आप बैठा है आपने, ये करीब बस 6 साल का है, ये बनाया गया है साधु। क्योंकि देखो इतना छोटा बच्चा, इतने छोटे बच्चे को खुद तो पता नहीं होता कि मतलब क्या करना है। इतने छोटे बच्चे को तो खुद नहाने का, खाने का या कपड़े पहनने का भी नहीं होता। तो महाराज जी साथ में है, इनते ही पूछेंगे भी कड़े तो है, क्यों करियो आपके पास आया है। तो इस बच्चे ने अपने माँ बाप याद नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा 6 साल का, तो स्वाभाविक है कि माँ बाप भी याद आते होंगे। तो पहले तो इससे बात कर ले हैं। महाराज जी राम राम। राम राम। नाम की है? शंकरगिरी। शंकरगिरी गांव कौन सा है? बाबड़ा। बाबड़ा। अच्छा, शंकरगिरी तो आप यहाँ पे डेरे में आने के बाद रखा गया होगा आपका नाम है। पहले क्या नाम था? शंकरगिरी। शंकरगिरी तो आपका नाम है, पहले माँ बाप ने क्या नाम रखा था? मेरा अमी था, मेरा शंकरगिरी होगा। अब तो शंकरगिरी होगा। अच्छा, बाबड़ा गांव से हो? अच्छा, स्कूल जाते हो? पुराना नाम अमीर है। कौन सी क्लास में हो? पहली में। पहली में। पुराना नाम अमीर है। अच्छा, तो महाराज से बात कर लेते हैं। राम राम महाराज जी। नारायण। महाराज जी आप कौन से डेरे में बैठते हो? हाँ, मैं बामनाली नहाने बैठा हूँ। आपका क्या नाम है? सोमरगिरी। सोमरगिरी। तो बाबा जी कितने दिन से चढ़ाया गया है ये होली भाग? तो पहले दिन 6 तारीख का भंडारा था, जब चढ़ाए गए थे। इसके माता पिता? हाँ, माता पिता, काके, ताऊ, भाई बहन कई आए थे इकट्ठे। तो महाराज जी किस प्रकार से चढ़ाया गया? बोलिया था पेट होने तो पहला है, हमारे बच्चे हुए जहाँ एक बच्चा ढूंढा बच्चे डावा है। अच्छा, तो इसके माता पिता के बच्चे ना हुए थे? हाँ हाँ, फिर ये दो बच्चे हुए, हम बस दो लड़के हुए एक लड़की, फिर ये अपने चढ़ाएंगे। जैसे आप बता रहे हो भी 4-5 महीने हो गए, तो 4-5 महीने हो गए इसने आपके पास? हाँ, 5 महीने हो गए। होली भाग तो पहले दिन 6 तारीख ना आई थी। मतलब इसकी देखभाल आप ही करते हो? हाँ हाँ। तो मतलब इसको अपनी माँ अपना पापा याद नहीं आते? ना याद कोई मतलब नहीं, जावा आवा 15 दिन में 20 दिन में पावड़ा डेरा देवा अगर जी माओ तो फेटो। अच्छा, नहीं जिगर दर्द ना फेटो। ना फेटो। तो स्कूल स्काल में जाओ है? हाँ, स्कूल में जाओ है। कौन से स्कूल में जाओ है? सरकारी स्कूल में जाओ है। बाबड़ा इसके में ना, डाणी। आठ दी भाई हैं, 5-7 दिन से। अच्छा, छुट्टियां तो पहला गया, छुट्टियां पास नहीं गया। तो महाराज जी एक बात बताओ, मतलब जो बाबा की शिक्षा होया करो तो गुरुकुल में नहीं होया करो? हाँ, गुरुकुल में जा रहा है, गुरुड़ी जा रहा है, एक इससे बड़ा है 2 साल। अच्छा, तो फिर नजदीक कुछ दिन में ये चला जाएगा। अच्छा, थोड़ा बहुत मल्ला भी जाना बहुत जरूरी है, जान पहचान बिना काका ताऊगा मारा भी तो बाणम बेरा नहीं पटेगा, जीवा के देखा भी थी। महाराज जी जैसे आप बता रहे हो कि स्कूल में जा है, सरकारी स्कूल में चलना आ गया है, तो उड़े फिर किसके नाम चल रहा है? उड़े मारा नाम चल रहा सोमरगिरी का। अच्छा, माँ बाप के नाम पर? ना, बेटा मारा है शंकरगिरी। अच्छा, चेला का हिसाब से गुरु चेला का नाता चल रहा गुरु चेले का। तो उड़ा मतलब सिर्फ चेले गुरु का नाम लिखवा जा, माँ का बाप का नाम नहीं मांगते स्कूल वाले? सब ने अच्छा पूछ के पूरा पता करके, लेकिन नाम मारा धनुआ का। अच्छा, गुरु चेला का। जैसे अब मान लो 10वीं कर लेगा, 12वीं कर लेगा, तो वहाँ पे आपका नाम आओगा? ना, आप भी हमारा होगा आपका। क्यों? आधार कार्ड, राशन कार्ड वो सारा बन जाए है, ये वो तो हमारे से आप तो बनेगा जो हमारा होगा। तो इसने कभी याद नहीं आती अपनी माँ? ना ना, याद क्यों आओगी, तो हम ममता देंगे तो क्यों याद आओगी? अगर जो हमें जब ममता नहीं देंगे तो अपने आप आओगी। शंकरगिरी जी माँ की याद आओ है? हैं, नहीं आती? जी लग रहा है? हैं, कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए अपनी मम्मी के पास आए? 4 महीने। 4 महीने। अच्छा, स्कूल में जी लग गया है? कोई दोस्त बनाया स्कूल में? स्कूल में कोई दोस्त बनाया है? मेरा दोस्त हैं। ये क्या है? डमरू। और ये आपका झोला है? झोली। झोली। अच्छा, क्या रखते हो इसमें? स्कूल में दिशे दोस्त बनाए थी भी, समोसे समोसे खाया मास्टरां के। इसमें क्या रखे करो अपने झोले में? पैसे। पैसे? गांव में जाते हो? हाँ। मांग के लाते हो? क्या कह ले? दाने मांग के लाते हो? दाने, दूध, दूध, घी। क्या करा करो फिर उस दूध घी का? खाते हो? पीवे है। अच्छा, तो आप महाराज जी के साथ रहते हो? तो महाराज जी एक बात बताओ, देखो जिस प्रकार से मतलब ये इनके माँ बाप ने चढ़ा दिया, तो दोबारा से आप वहाँ जाते हो कि वे यहाँ पर आते हैं? नहीं, हम वहाँ जाते हैं, डेरा है पावड़ा गांव में। पावड़ा गांव में डेरा? हाँ, हमारा डेरा, वहाँ जाते हैं 15 दिन में, 10 दिन में, महीने में जावा तो पता लग जाए, तुम जाओ मिलो बेटो। तो उसके बाद जिद नहीं करता मैं? नहीं, मतलब कोई काम नहीं,
मम्मी पापा धक्का बतेरा करें लेकिन गेट से बाहर नहीं निकलता। अच्छा मम्मी पापा ले जाने धक्का, वीडियो पूछा आएंगे आपके पास, देखो उनका गला भी बतला जाएंगे कर जाएंगे भोग यहाँ कभी सब आस्था से तो सब पता चल जाएगा। देखो महाराज जी हम इतनी ममता जाएंगे तो माँ बाप ने क्यों याद करेंगे। देखो महाराज जी इस लड़के की खूब वीडियो वायरल हो रही है। हाँ, खूब वायरल हो रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मतलब ये चीज अंधविश्वास की तरफ है, अंधविश्वास में कहीं ना कहीं इस बालक का जो भविष्य है वो भी नरक में जाना पूरा, है। पूरा विश्वास में है, कोई अंधविश्वास नहीं है, पूरा इंक्वायरी में है, कोई बिना न्यू की जगह बिना भेतनी से आन कागज फड़ुआ था सारी बातें पूरा परिवार था थाना था तहसील था कोई न्यू निकलनी है मिलेगा, लेकिन हमें दिखावा हमें भी तो सख्त दिखावांगे ऑर्डर कर देंगे सख्त से मारे भी तो सख्त से आओ सारी चीज पूछो अगर देखने कमी लागे तो फिर आगे बाबा ने पूछो। आपका कौन सा गांव महाराज जी? मेरी जन्म नगरी है बालक की। अच्छा, और बाबा हूँ मैं कनौद हूँ बता। और मतलब आपके भी बच्चे हैं? हाँ बालक में एक लड़की है। लड़की है? अच्छा, तो महाराज जी देखो जैसे आज आप इस मंदिर में आ रहे हो, ये सिसाई का ही मंदिर है? हाँ सिसाई का। तो इसमें हाँ नगरी में है बाबा चांदगरी का डेरा चांदपुरी का, उसमें रहा हमें चांदपुरी का। तो यहाँ पे एक और बाबा देखे थे मैंने, हाँ यहाँ और है बाबा जी उनकी बुला लिए थे, फिर ये खुद अंदरूनी भावना था अपने आप बोल रहे परसों। अच्छा, परसों सवेरे बोले मैं सीढ़ी लाऊंगा, मेरी खेत में सीढ़ी धरी है, मैं खेत मारे किसके खेत में बिक गया था बोले ना मंदिर का खेत में सीढ़ी धरी है मले बचालो भी खेत में सीढ़ी खड़े धरी है आड़ा है जे माथा टेक जी बाबा जी बैठे हैं अपने आप भी तरत सीढ़ी खड़ गई थी पकड़ाई बाबा जी। हाँ जी सीढ़ी तो मन बताई थी बोले ना मन के बिरा युवा होगा वह उड़ा डेरा में गदरी है पिंग अपना आड़ ले जाएंगे परसों की पिंग लग रहा अपना राम। तो महाराज जी एक बात बताओ, इस मंदिर में आप आए हो और चक्रधाम देखना करें कि बहुत सारे लोग भी आए हैं, ढोकला का भी आज ये कौन से गांव के हैं आसपास? अलग अलग गांव के हैं सब दूर दूर के। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर पूछा पछा करा जा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, वैसे ढोकला का बाबा जी। अच्छा, मतलब मैं जिस टाइम पाई उस टाइम पे डमरू डमरू बजने लग रहे थे सारे भी बाजेंगे तार इंतजार में रुके डेरू डारू बोले लग रहे जी ने सवेरे तक शाम तक बाजेंगे। अच्छा, तो बाबा जी देखो जिस प्रकार ताज यहाँ पा रहा है ये भी आपके साथ है आप आज रहोगे तो मतलब ये चीज मतलब अंधविश्वास नहीं है? नहीं अंधविश्वास है क्यों नहीं, बिना मानने की अंधविश्वास आप पे है, मानना करे तो पता लगे अंधविश्वास है सच्चा विश्वास है। इतनी पब्लिक वासी थोड़ी आ रही पागल बन के ना किमने विश्वास है जी आ रही है। और प्रसाद में क्या चल रहा है? प्रसाद में सारी चीज तड़ शराब भी तड़ है लड्डू भी बर्फी भी बूंदी भी दो शराब की बोतल एक आदमी के हाथ में देखी सब तड़ है खुली तड़ है। तो मतलब ये भगवान का कहना है कि बोतल शराब ना ना ना, ना, ना अपना अंदरूनी बना। अच्छा, कोई परमात्मा रूप ईशा नहीं लेगा जो परमात्मा था मन शराब पींदा पाऊगा। देखो महाराज जी एक बात बताओ ये पब्लिक की इच्छा है। एक बात बताओ, देखो आप तक हम भी मतलब मंदिरों में हम भी जाते हैं मत्था भी टेकते हैं लेकिन जहाँ भी देखा या तो लड्डू होते हैं प्रसाद में मखाने हो गया है जलेबी हो गया है लेकिन ये शराब का चढ़ावा ये कौन सा प्रसाद है? ये सारा भगत की इच्छा है, अपनी इच्छा जन लेके चल है न सही से कौन को मेरी तल पूरे कर दे एक बोतल तो चढ़ाई दूंगा वो तो टाइम पर बनना है वो है बनते हैं देख की जगह तो वह देखा जाऊँ तो भी बोतल ले। देखो महाराज जी वो मान ली की आस्था अभी आस्था में चढ़ा दी वह चीज है अब ये जो लड्डू जलेबी आपके पीछे ये दरे है ना ये प्रसाद है? हाँ ये प्रसाद है। यो चलो आप भक्ता में बांट दोगे यो प्रसाद बट गया वो भी साथ के साथ भोग लगाया। अच्छा। और जो ले रहा नहीं अपना ले जो उठा के। अच्छा, मतलब भोग भगवान के आगे चढ़ाया जा है बस जो लाओ जो नहीं हटते जो लगाओ समाधि का लगे। महाराज जी आप तो महाराज हो तो आपका क्या कहना है इस चीज के? महाराज न्यू कहना है तो लोग चीज धक्का करे ये लोग चढ़ावे है भगवान को सानू का मन नहीं परमात्मा रूप ईशा कोई कहीं धरती पर ना लेख में लगा ना उदेख में लगा आग बस शराब चढ़ा शराब चढ़ा। तो महाराज जी देखो आप तो समाज ने मतलब सुधारने वाले हो महाराज हो जो साधु हो सुधारने वाले हैं तो सवेरे थे पब्लिक ने बोलने लग रहा यूरो के भगत सुनती अन्य आज आए हमें पहली बार आए हाँ जानते हैं पालम कह रहा है आड़े बैठ के दारू लग रहा पिणमा भगत कुछ तो शर्म कर दे धूणा भगत है हमारा नहीं दारू चढ़ती देखी कोई साधु दारू पीनी है ना जब समाधि ली है ना उसका दारू चढ़ेगी अगर जो साधु है कुछ नहीं लेंदा तो उसका दारू चढ़ाओ तो अपने आप मर्जी से चढ़ाओ है ये बैठे भगत सवेरे का अन्य पालम बोलिया पूछो बोलिया कि ना बोलिया। अच्छा महाराज जी आप ये बताओ
जैसे मतलब जो महाराजा बहुत सारे नशा पता भी कर रहे हैं। हाँ नशा करे तो अंदरूनी अपने आप मंगाओगे फिर भैया तो की बाबा तो न्यूक मांगा है। वैसे देखो अपने मतलब साधु समाज की बात कर रहे हैं तो मतलब बहुत सारे नशा पता भी कर रहे हैं, सूखा नशा भी कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये जैसे बच्चा है आज तो ठीक है तो आगे जाके ये भी नशा पता में चला जाएगा। एक करके तो गुरुकुल में सोचता है 5-10 साल। अच्छा अगर तो फिर भी इसकी भावना बिगड़ा तो वह किसी का हाथ नहीं अपना लिखा कोई नहीं रोक सकता। गुरुकुल में ऐसी शिक्षा होगी, गुरुकुल में एक ऐसा है तो 20 साल रखो वहाँ नहीं मिलेगा नशा, नशा का बताने के लिए उसके ऊपर कोई राय नहीं। कौन से गुरुकुल में छोड़ा जाएगा? कुरुडी गुरुकुल में छोड़ रखा है, कुरुडी यू छोड़ा जाएगा। अच्छा तो वहाँ कितने साल की शिक्षा मिलेगी फिर इसने? वहाँ 10 साल की मिलेगी। 10 साल की? हाँ 10वीं नहीं, आगे इच्छा होगी तो पढ़ लेगा, नहीं इच्छा पढ़िया पढ़ो तो 10 साल वहाँ पर छोड़ा जाएगा। ओड़ा साधु की भी परीक्षा मिलेगी, ओड़ा ब्रह्म देवता की भी परीक्षा मिलेगी, मास्टर की मिलेगी। तो अभी इसको कब छोड़ रहे हो आप गुरुकुल? एक 2-3 महीने के बाद छूटेगा, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं भी गुरुकुल में छोड़ा जाए, क्योंकि जो एक साधु हुआ है तो समाज सुधार खातर हुआ है तो उसकी शिक्षा भी गुरुकुल में हुआ है। एक ऐसी चीज है अंदरूनी भावना, गुरुकुल में रो के दिया तो उसने अंदर का पता है, उसका तो रम लगा जो उसका पता है। इबाड़ परिवार चुगरता तो परिवार का उसने नहीं पता कौन किसा है, 2 भी नियम 4 भी नियम 6 भी नियम साल भर में थोड़ा बहुत रहा ही स्कूल की यू भी पढ़ जाएगा किमें किमें नहाण धोन अपने आप लायक जा कर उससे आपका अपने आप गुरुकुल मिल जाएगा। देखो महाराज जी अगर साधुआ की बात करें ना तो साधु बहुत तरह के हैं, एक नुकैले एक मतलब आजकल साधु के बेस में चोर भी अंडे हैं, ठग भी अंडे हैं। हाँ 36 जात ने थ्याई में बटली करके माई जतो बाणा लिया से बालक नगरी का जन्म से पथला राम मेरे नाम से और रेडू गोद से धरती पर कौन सी कूट में बालक का कोई जा रहे हो जो नाम लेके पूछिए वही नहीं बता देगा आपसे। देखो महाराज जी वही तो कह रहे हैं मतलब आज के समय में है ना साधु आप भी विश्वास करना मुश्किल हो। 24 साल में छठे महीने में बिल्कुल बिना कपड़े मिलेंगे ये बाबे प्योर ना गए फिर न्यू भी बेरा पड़ जाए, ये कांवर वो करे नहीं उनकी भी न्यू बेरा पड़ जाए के कही है के क्या करे है बस नागा चीज की वो है नागा बाबा कहूँ लिम लिम लावे लेकिन छोड़ में बटले आंडा जो नागे नहीं है। शर्म उस दिन आवे जिस दिन बाणा लेवा जित न्यू बेरा पड़े तेना उस दिन शर्म आई थी कुनी आई नहीं। पब्लिक तो के लेना देना हो साधु ने, पब्लिक का तो भला होना चाहिए भाई, शरीर दे दिया समाज सेवा नहीं हुई जो फिर पैदा किया शरीर खो दिया जी ये तो परमात्मा ने दे दिया समाज ने अच्छे रास्ते पे ले जान खतर हुआ। लेकिन आज के टाइम में मतलब ऐसा हो रहा है साधु पे किस पे विश्वास करे, क्योंकि आपने भी देखा होगा गाँव में चले जा है ऐसे ऐसे चले जाए जो समाधि ने धोकन लायक गई नगरी अगर जो समाधि तो दूर धूना तो दूर जगह निकलिया कोई भी हो वो फेट माए बिना रहा है कोई 10 साल अच्छा कुआ जगह 20 साल अच्छा कुआ जा पाथे जाता उसका लिम लागे बिना रहा नहीं। जो भावना तो अपना बदन करनी है साधु उनकी के को नगरी तो नाम होता नहीं को किसी तो उसको कहते सब का है उसने किसी तो नहीं होता साधु तो फकीर हो या जात से या पान से या गृहस्थिया में डोले है नहीं के साधु ने तो 36 जात एक हो नगरी का चेयर बाउंड्री के भीतर आएगा वो सारा एक हूँ अपनी अपनी समझ की बात है जिसकी श्रद्धा हो मान लिया। तो ये छोटा हमारा इसके खेला खेलेगा किसके साथ खेलेगा? अच्छा तो बैट बॉल खेलेगा आपके साथ और क्या खेला अगर है खेलेगा और कौन सा खेल खेल रहा है और भी कुछ खेला अगर है बैट बॉल के अलावा क्या खेला अगर है? मैं तो बैट बॉल खेला बैट बॉल खेल रहा है। अच्छा नू बता आप बड़ा होगा क्या बनेगा है? बोलो बड़ा होगा कुछ और बनना है क्या बनना है कुछ बनना है पढ़ाई करते कुछ बनना है दड़क दड़क बोल है तो बच्चा ही है 5 साल का 6 साल का बालक हुआ के है खुद बिना बेरा बस 6 साल का जन्मदिन कद है जन्मदिन कद है तेरा जन्मदिन कब आओगा ये 6 मार्च ने चढ़ा था ये होली भाग तो पहले 7 तारीख की होली थी 6 तारीख का भंडारा था ये भंडारा आड़ा माणम तो महाराज से आपका 6 का मना उससे के शब्द चल हाँ उसे का शब्द तो यो मतलब जो इस नाम दिया है तो पंथ के हिसाब से दिया गया पंथ के हिसाब से दिया गया महाराज। हाँ ब्रह्म देवता बताओ भी देख के ब्रह्म देवता का फिर उस हिसाब से बताइए
तो हमारा जी देखो अब 6 साल के बाद चढ़ाया उन्हें इसके माता पिता ने, यो तो मतलब 6 साल थी उन्हें खुद कही थी या फिर उन्हें कही थी जब 2 बच्चे हो जाएंगे तो आपने चढ़ा कर जाना? नहीं उनकी खुद ने कही थी। अच्छा फिर उनकी पूछा जी टाइम तो पहला मैं तारी मौत जब जी भी चढ़ाओ फिर बोला जी भंडारा होगा भंडारम तो रह जा मां भंडारम तो रह जाइए फिर 6 तारीख का भंडारा था जो चढ़ाएगी। तो देखो मतलब अगर बात करें महाराज जी की जो छोटा सा साधु आपने दिखा है, यो साधु बना दिया गया 6 साल की उम्र में चढ़ा दिया गया है, पहले भी सुनी होगी कि पहले भी चढ़ा दिया करते मतलब समाज की भलाई खातर साधु होया करते, गुरुकुला में पढ़ाई होया करती, लेकिन आज अगर बात करें तो मतलब आपने देखा होगा कि राजनीति में भी साधु हैं, मंदिरा में भी साधु हैं, अच्छा बड़े बड़े डेरे हैं जिनमें बहुत सारी जमीन आवे है, ऐशो आराम की जिंदगी भी जीवे है, मतलब किस प्रकार के साधु हमारे समाज खातर बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारी सवाल भी उठे हैं इस चीज़ पे, तो आपने भी अपनी राय जरूर बतानी है। और ये जो छोटा सा साधु आपने दिखना आ गया शंकरगिरी महाराज, तो शंकरगिरी महाराज का जो 6 साल की उम्र में चढ़ा दिया गया है कनोडेरे में, कनोडेरे में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि इसका भविष्य मतलब समाज के लिए बनाया है या फिर इसका भविष्य अंधकार में जान लग रहा है, मतलब आगे ये पढ़ाई करके किस प्रकार का मतलब इंसान बनेगा या फिर मतलब पाखंडा तो इसका जीवन भरा हुआ है, तो सोचा कि आपसे जरूर पूछ लेनी चाहिए क्योंकि क्या कर अभी दुनियादारी एक शीशा हुआ है, तो आपने बतानी है कमेंट बॉक्स में कि आपका शंकरगिरी के बारे में क्या कहना है। महाराज जी ने तो अपनी बात बता दी, अब आपने अपनी बात बतानी है और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जहाँ तक बात होगी तो इसके माँ बाप से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।